हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल। ये हमारी इंटरेस्ट कैलकुलेशन की सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि अगर हम किसी को सेल करते हैं और उसको हम क्रेडिट पीरियड अलाउड करते हैं और हमें वो क्रेडिट पीरियड के बाद हमें पेमेंट करता है तो इसे इंटरेस्ट कैसे चार्ज किया जाता है। आज की इस क्लास में सीखेंगे कि अगर हमने किसी से लोन लिया हुआ है और लोन हमें से पे करना है इंटरेस्ट के साथ, तो यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकालना है ताकि अपने आप आ जाए और उसकी पेमेंट की एंट्री कैसे पास करें। तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है जो कि आपको नजर आ रहा है आपके स्क्रीन पर। हमने यहाँ पे लोन लिया हुआ अमित से, जो कि हमने 1 अप्रैल को लोन लिया था 5 लाख रुपीज का, और इसमें इंटरेस्ट लगेगा रेट 10%, और हम इसको पे बैक कर रहे हैं 20 मई को। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसकी एंट्री पास करना। सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर पे जाते हैं, यहाँ बना लेते अमित, जो कि हमारा होगा अनसिक्योर्ड लोन। इंटरेस्ट को यस करोगे आप, यहाँ पर इन दोनों को नो रख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा यहाँ पर 10% है, एज पर कैलेंडर ईयर आ जाएगा आपका, और ये आपका आएगा क्रेडिट बैलेंस में क्योंकि इसको हमें पेमेंट वापस करनी है। 1 अप्रैल से 31 मार्च लिख लेते हैं इसको, नोट एप्लीकेबल करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अब लोन का अमाउंट कितना है हमारा, लोन का अमाउंट है 5 लाख रुपीज। एक बार डेट भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर डेट हमारी 1 अप्रैल है, लोन है 5 लाख रुपए का। पैसे हमें मिले तो बैंक में पैसे आएंगे तो HDFC बैंक कर लेते हैं। यहाँ पर नरेशन सिंपल आप लिख लेना, बींग लोन रिसीव फ्रॉम अमित, और उसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद हमें जो पेमेंट करनी है 20 मई को पे करनी है, तो आप चेक करते हैं कि 20 मई तक कितना इंटरेस्ट हमारा है। तो उसके लिए आपको जाना है डिस्प्ले में, फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाना है, उसके बाद आपको जाना है लेजर पे, यहाँ पर अमित पे जाना है आपको। और यहाँ पर देखो पीरियड आपका अगर यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे हम 20 मई तक, 1 अप्रैल से लेकर 20 मई, तो यहाँ 20 मई तक इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 6712। अब इस एंट्री इंटरेस्ट की एंट्री पास करने के लिए आपको क्या करना है, अकाउंट इन्फो में जाना है, वाउचर टाइप्स पे जाना है, ऑल्टर पे जाना होगा, और यहाँ पे आप निकालोगे क्रेडिट नोट, और यहाँ पर आपको लास्ट में आपको यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ क्लास में लिखोगे इंटरेस्ट, एंटर पास करना, यहाँ पे इसको यस करना और इसको सेव करना कंट्रोल ए से। इसके बाद आपको इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है, तो आपको जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर पे और आपको जाना होगा क्रेडिट नोट पर। डेट आप सिलेक्ट कर लेना 20 मई, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं डेट पे जाकर 20 मई, यहाँ पर आपका आ जाएगा अमित, और आप देखोगे कि अमाउंट यहाँ पे अपने आप आ गया। और इस पर इंटरेस्ट हमें पे करना है, तो ये हमारा होगा इंटरेस्ट खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन हम बना लेंगे और इसको डालते हैं खर्चे में इनडायरेक्ट एक्सपेंस और सेव कर लेते हैं। इसके बाद हमें पेमेंट देनी है इंटरेस्ट के साथ, तो पेमेंट की एंट्री पास करते हैं, तो F5 में जाते हैं, डेट हमने सिलेक्ट पहले से करिए 20 मई, अमित को पेमेंट करनी है 5 लाख प्लस इंटरेस्ट, तो पेमेंट करनी है 5067122.33, और इसको हम पे कर देंगे बैंक या कैश से जैसे भी आप पे करना चाहो। तो इस तरह से आपकी एंट्री हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो अगर आपके कोई भी डाउट्स हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को आप लाइक के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू वेरी मच।